आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाँ नमस्कार बच्चों, आपका प्रश्न है निम्न आरेखों का अध्ययन कीजिए। आरेख ए तथा बी ग्रंथियों को दर्शाते हैं, जबकि आरेख सी उत्तकों के विशिष्ट प्रकार को दर्शाता है। ए बी तथा सी को पहचानिए। बच्चों आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए में ए आरेख है बच्चों एक कोशी की ग्रंथि, बी आरेख है गोबलेट ग्रंथि और सी आरेख है कूट स्थित गणाकार उपकला उत्तक। विकल्प बी है बहुकोशिक ग्रंथि, एक कोशिकीय ग्रंथि और कूट स्थित गणाकार उपकला उत्तक। विकल्प सी है एक कोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि, कूट स्थित गणाकार उपकला उत्तक। और विकल्प डी दिया हुआ है एक कोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि और संयुक्त उपकला उत्तक। तो बेटा आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। एक कोशिकीय ग्रंथि या ग्रंथिल उत्तक मुख्य रूप से एक ही कोशिका द्वारा निर्मित होती है। आंत्र उपकला में पाई जाती है। एक कोशिकीय ग्रंथि का सबसे अच्छा उदाहरण है आहारनाल की गोबलेट या श्लेष्मा कोशिका। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें बच्चों आरेख बी की, तो आपका जो आरेख बी है बच्चों वो है बहुकोशिकीय ग्रंथि का, ये अनेक कोशिकाओं के समूह या पुंज से मिलकर बनी होती है। यह ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है बच्चों। ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लार ग्रंथि। आगे हम आरेख सी जो दिया हुआ आपके वो है संयुक्त उपकला उत्तक। ठीक है, ये बच्चों एक से अधिक स्तरों से निर्मित होता है, यानी बहुस्तरित प्रकार का होता है। इसका मुख्य कार्य अवशोषण व स्त्रवण का होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके तीन आरेख हो गए। अब हम विकल्प की बात करते हैं। आपके जो पहला विकल्प दिया हुआ ए, इसमें आपके जो सी आरेख है वो कूट स्थित घनाकार उपकला उत्तक का दिया हुआ है। ये भी बहुपरतीय होता है, लेकिन ये स्तंभाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस प्रकार की इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, उनसे निर्मित होता है ये, और यहां पर बिल्कुल चपटी कोशिकाएं हैं। तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखो कूट स्थित घनाकार उपकला उत्तक, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। इसमें भी जो सी आरेख है वो कूट स्थित घनाकार उपकला उत्तक का आ रहा है, ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अंतिम विकल्प जो दिया हुआ है ए आरेख, वो एक कोशिकीय ग्रंथि का है, ये विकल्प सही है।
बी आर एक बहुकोशिक ग्रंथि का, ये भी सही है, और सी आर एक संयुक्त उपकला ऊतक का, ये भी विकल्प सही है। तो बच्चों इस प्रश्न का आपके जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।